इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जैसा कि आपने सुना कि नियोजन नीति को लेकर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, निर्णय दिया कि भाई पिछली सरकार की नियोजन नीति जो थी वो असंवैधानिक थी, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि इस मामले को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको अपडेट बता दें कि आज ही जो शिक्षक हैं इन 13 जिलों के, उन 13 जिलों के जो शिक्षक हैं, उन्होंने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मुलाकात की थी। रामेश्वर उरांव ने कहा था कि देखिए ये कोर्ट का मामला है, इसको कोर्ट के तरीके से ही टैकल किया जाएगा। जिसके बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान आया है सामने, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार इस मामले पर जाएगी। नियोजन नीति का जो पेंच फंस रहा था, झारखंड हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि जो 13 जिलों के शिक्षकों की जो नियोजन नीति थी, जो पिछली सरकार ने तय की थी, उस नियोजन नीति को असंवैधानिक बताया था और कहा था कि इन 13 जिलों की नौकरियों में सिर्फ 13 जिलों के लोगों की बहाली, ये गलत है, ये संवैधानिक अधिकार जो लोगों का होता है उस पर एक बार है और इस नीति को बदला जाना चाहिए, ये हाईकोर्ट ने कहा था। जिसके बाद विधानसभा में भी इसे लेकर के काफी बहस हुई थी और अब जाकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया है कि इस मामले को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार जाएगी। वक्त की सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो ऐलान किया है वो हम आपको सुनाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नियोजन नीति को लेकर के राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है। सुनिए। हाँ, सेल चेयरमैन आए थे, उनके बोकारो स्टील प्लांट से जुड़ी विषय को उन्होंने रखा, हमने भी बोकारो स्टील प्लांट के साथ राज्य सरकार का जो जो लेन देन हिसाब किताब है, मोटे तौर पर कहा जाए, वो भी बताया और उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। उनका अपना रिन्यूअल का विषय है और हमने भी कहा कि आपके द्वारा वहाँ जितने भी हमारे छोटे इंडस्ट्रीज हैं उसको आप कैसे पिकअप कर रहे हैं, उसका विस्तृत विवरणी हमें बताएं। उद्योग, क्योंकि वहाँ पर उससे जुड़े उद्योग लगने की परिकल्पना रही है लेकिन पूर्ण रूप से ये चीज़ें स्थापित नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई, इस विषय पर हमने उनसे पूछा और संबंधित पदाधिकारी बहुत जल्द हमारे राज्य के पदाधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित कर पूरी विस्तृत चीज़ों को एकत्रित करेंगे और साथ साथ में हमारे जो सहायक पुलिस हैं उनका जो विषय था उसमें फिलहाल उनको एक्सटेंशन देने के लिए, उसकी समय अवधि बढ़ाने के लिए हमने पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है और परसों जो हाई कोर्ट के माध्यम से जो शिक्षक बहाली का विषय आया है, इस विषय पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुना आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षक बहाली का जो मुद्दा है, जिस नियोजन नीति को लेकर के हाई कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है, अब राज्य सरकार इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी, यानी कि इन शिक्षकों के साथ राज्य सरकार ने जो कहा था कि आप जो कानूनी प्रावधान है उस कानूनी प्रावधान को फॉलो करेंगे और उसी कानूनी प्रावधान को फॉलो करते हुए राज्य सरकार ने ऐलान किया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है।
कि राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अविनाश? नहीं, जरूर अभिषेक, और अगर आप देखें जब से हाई कोर्ट का ये फैसला आया था और जो पूर्व की रघुवर दास की सरकार के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया, और उस वक्त भी आपको याद है अभिषेक किस तरह से 13 और 11 जिलों को लेकर राजनीति भी देखने को मिली थी, उन 11 जिलों में विरोध भी देखने को मिला था, और उस वक्त भी राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो जो गतिरोध उस वक्त दिखाई दे रही थी उसका ही आप कह सकते हैं कि एक परिणाम हाईकोर्ट के फैसले में भी आप देख सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सबसे बड़ी चिंता उनके लिए थी जो जिन 13 जिलों में शिक्षक बहाली हुई, जिन्हें मौका मिला नौकरी में, सरकारी नौकरी में। इस फैसले ने उन तमाम वैसे शिक्षकों के सामने उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। यूं कहें कि उनके सामने ऐसा लगा कि अचानक से कुछ अंधेरा सा छा गया है। अब चूंकि जो राज्य सरकार पर ये सारी चीजें हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार ने पहले दिन से ही ये स्पष्ट कर रखा था कि इस पूरे मामले में जो जिन्हें नौकरी मिली थी उनके साथ वो जो वर्तमान सरकार है वो खड़ी रहेगी, लेकिन कानूनी तौर पे, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला आया है, हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक रूप से भले ही कोई बयानबाजी किया जाए, भले ही जो वर्तमान सरकार ने ये कहा कि किस तरह से राज्य को दो खंडों में बांटने की कोशिश हुई, गलत तरीका से गलत तरीका का इस्तेमाल किया गया, वो तमाम चीजें की गई थी जो नहीं करना चाहिए, वो चीजें भी की गई जो संविधान में उनको अधिकार नहीं दिया जाता है, बावजूद इसके राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वैसे तमाम शिक्षकों के लिए जिनके सामने इस वक्त रोजगार का संकट पैदा हो गया है अचानक से, उनके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए इस हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से। चलिए, शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अविनाश जुड़े हुए थे हमारे साथ। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान कि नियोजन नीति को लेकर के, जिस पर बहुत ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में सरकार।